नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ प्रवीण शर्मा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएसटी या 9 एनुअल रिटर्न के बारे में। एनुअल रिटर्न क्यों फाइल होती है और किन्हें फाइल करनी है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये क्यों ज़रूरी है फाइल करना, ऐसा ना हो कि ये रिटर्न फाइल नहीं हो और पेनल्टी भी लगे। फॉर द फर्स्ट टू ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, पहले दो साल के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 2018-19, इन दोनों ही सालों में डिपार्टमेंट की तरफ से, जीएसटी डिपार्टमेंट काउंसिल की तरफ से बताया गया है कि ये जो साल में जो रिटर्न फाइल होती है जीएसटी या 9 एनुअल रिटर्न, ये उनको फाइल नहीं करना जिनका टर्नओवर, जिनका पूरे साल में टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, जिनका टर्नओवर, जिन बिजनेसेस का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे हैं, उन्हें जीएसटी या 9 एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। पर ध्यान रहे, अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं होती, ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप एनुअल रिटर्न अपनी सेल्फ असेसमेंट, अपने सेल्फ पोर्टल के थ्रू फाइल नहीं करते, तो जो भी डेटा फ्लो होगा जीएसटी या 9 के अंदर, वो डीम टू बी फाइल माना जाएगा। मतलब मान लिया जाएगा कि जो भी डेटा आपने ऑलरेडी, जो पीछे जो जीएसटी R1 और 3 भी जो फाइल करी है, जो एक रेगुलर रिटर्न होती है, उसमें जो डेटा आपका फाइल हुआ है, वो पॉपुलेट होकर के एनुअल रिटर्न मान लिया जाएगा। अब इसमें पेच क्या है, दिक्कत यहाँ पे क्या है? अगर मान लीजिए आपका 1.5 करोड़ का टर्नओवर है और आप जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन दिया गया है पहले 2 सालों के लिए, पर 1920 से ये फ्रिक्वेंटली फाइल होगा चाहे निल ही टर्नओवर क्यों ना हो। बट यहाँ पे पेच क्या है कि अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं होती तो डीम टू बी माना जाएगा। डीम टू बी का मतलब जो भी डेटा जीएसटी R1, जो आपकी सेल इनवॉइसेस से रिलेटेड है, और 3B से रिलेटेड है, जो भी डेटा उस रिटर्न के अंदर गया हुआ है, वो डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होके मान लिया जाएगा कि वो डेटा फाइनल है। फॉर रेज्यूमिंग, आपकी 1 लाख की लाइबिलिटी है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर और 90,000 का डेटा गया है 3B के अंदर, इसका मतलब आपने 10,000 की लाइबिलिटी अभी पे नहीं करी है। और अगर आपने वो लाइबिलिटी पे नहीं करी है, तो फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेज उसके हो सकते हैं। तो इट इज़ बेटर टू फाइल योर जीएसटी या 9 एनुअल रिटर्न, जीएसटी या 9 को एनुअल रिटर्न को फाइल करें। पर यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर उसके अंदर कोई एरर है, मिस्टेक्स है, तो बेहतर तो ये होगा कि आप अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल करें। एनुअल रिटर्न ना फाइल करने की पेनल्टी है 0.5% ऑफ द टर्नओवर, बहुत बड़ी पेनल्टी है। साथ के साथ 200 रुपीज़ पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.5% ऑफ द टर्नओवर की पेनल्टी भी लग सकती है। बट ये ऑप्शनल है 2 करोड़ से नीचे, पर बेहतर ये होगा कि आप अपनी जीएसटी या 9 एनुअल रिटर्न फाइल करें। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन रिलेटेड टू दी टर्नओवर क्या चीज़ होती है, या एनुअल रिटर्न किन्हें फाइल करनी है या नहीं करनी, तो ड्रॉप लाइन मेनू में आप अपना कमेंट या क्वेरी रेज कर सकते हैं। मैं खुद प्रवीण शर्मा या हमारे टैक्स फॉर वेल्थ की टीम से जो भी पर्सन अवेलेबल होगा, विल आपका जो आंसर होगा, वो बिल्कुल आपका आंसर जो होगा वो हम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।